नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मेरे पास है XCV700 और मुझे चलाने का मौका मिल रहा है इन पहाड़ों पे, इन हसीन वादियों पे। ये पहाड़ हैं, आगे नदी है, ये ख़राब रास्ता है। आप ऊपर देखिए, इधर भी मैं इस गाड़ी को ले जाने वाला हूँ। काफ़ी ऐसी लोकेशन पे मैंने इसको चलाया है। क्या इसकी फीलिंग है, कैसी ये चलती है, सारा इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। स्पेशली इसमें हिल्स का रहेगा, हिल्स का नाइट का भी रहेगा, परफॉर्मेंस भी रहेगा, इसमें एवरेज भी रहेगा। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। हाईवे में कैसी चलती है गाड़ी, सिटी में कैसी चलती है गाड़ी, और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये कितनी प्रैक्टिकल है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ हिल्स का रहने वाला है। एक जनरली जो पहाड़ में गाड़ी में जो चाहिए होता है, वो चीज़ है या नहीं है इस गाड़ी के अंदर, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इस गाड़ी के साथ मेरा दूसरा दिन है पहाड़ों में। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जैप में चल रही है ये गाड़ी। ये जैप इसका डिफ़ॉल्ट मोड है। और सबसे अच्छी बात पता है मेरे को क्या लगी इस गाड़ी की, जैसे मान लो मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ या फिर हल्की स्पीड में चल रहा हूँ, तो स्टीयरिंग साला बड़ा ही लाइट है, बहुत ही लाइट है स्टीयरिंग यार। और जैसे जैसे ना इसकी स्पीड बढ़ते जाती है और ये अच्छा खासा वेट गेन करता जाता है। अब धूप डायरेक्टली इस स्क्रीन में पड़ रही है। अब आप देखो ये कितनी विजिबल है। चश्मे के थ्रू तो मेरे को अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अब मैं चश्मा उतारने के बाद भी ये अच्छी खासी विजिबल है स्क्रीन। डायरेक्ट धूप पड़ रही है, आप देख सकते हैं, सनलाइट इसमें पड़ रही है। और जो ड्राइवर का MID और इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, उसकी भी ब्राइटनेस अच्छी खासी है। अभी तो खैर अंधेरा हो गया, हम पहाड़ के पीछे चल रहे हैं फ़िलहाल। और अभी डाउन हिल है, अप हिल भी आएगी। अप हिल में कैसा परफॉर्म करेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इतनी बड़ी गाड़ी है और उस हिसाब से इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है ना, सेडान टाइप की है। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा नहीं कि आप इतनी भारी भरकम गाड़ी में चल रहे हैं। मैं अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ पहाड़ों के अंदर। और मुझे तब पता चल रहा है कि मैं थोड़ा सा तेज़ हूँ जब सामान पीछे इधर से उधर जा रहा है ना, जब सामान की आवाज़ आ रही है सरकने की, तब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तेज़ हूँ। बाकी ना तो बगल में बैठने वाले को लग रहा है कि गाड़ी तेज़ चल रही है या फिर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। स्टेबिलिटी कहने का मतलब बहुत ज़बरदस्त है, साथ में स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी। और जो सीटें की होल्डिंग है वो भी काफ़ी सपोर्ट करती है। लिटरली मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को पहाड़ में चलाने में। और अभी तो खैर डाउन हिल है, चढ़ाई में भी अच्छा रिस्पॉन्स करता है। हालांकि इंजन जो है अच्छा खासा वोकल हो जाता है जब वो हाई RPM में चढ़ता है। तो बाकी आपको पता ही है कि गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। मैं कई ऐसी जगह पर लेकर गया था जहाँ पर टायर वाकई में स्लिप होने लग गए थे, क्योंकि वहाँ पर खड़ी चढ़ाई थी, रोड कच्चा था। उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उस टाइम पर मतलब तोते उड़े रहते हैं, तो उस टाइम बंदा रिकॉर्ड करेगा या फिर गाड़ी निकालेगा। तो ये ड्रॉबैक तो रहता है फ्रंट व्हील ड्राइव का। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर रोड तो सही होती है लेकिन खड़ी चढ़ाई होती है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सिंगल लेन हाईवे पे चल रहे हैं अभी फ़िलहाल हम। जब शिमला की तरफ आ रहे थे तो डबल लेन वाले हाईवे थे, वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन करी हमने। कहीं कहीं पर तो जो है 70+ भी चले जा रहे थे हम, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कहने का मतलब है ये गाड़ी पहाड़ों के मुताबिक फन टू ड्राइव है। महिंद्रा ने इस हिसाब से इसकी ड्राइवेबिलिटी सेट कर रखी है, आपको ये गाड़ी कंफर्टेबल लगेगी। ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग पर ज़बरदस्ती का वेट है या फिर आपको जो मोड़ों में गाड़ी हैवी फील कराए। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट का वर्जिन आइलैंड। ये देखिए डब्बा, इसमें आपको जंगल वाली फील आ रही होगी, इसमें पत्तियाँ वगैरह बनी हुई है। और इसका एक्चुअल में फील भी ऐसा ही है। इसकी जो फ्रेगरेंस है एक तो कूल है और आपको जंगल में रहने का एहसास दिलाएगी। और ऐसी वादियों में, ऐसी हसीन वादियों में आने के बाद गाड़ी आपकी इस तरीके से मतलब महके, तो बिल्कुल मज़ा आ जाता है। इसको करना कैसे है, ये स्प्रे है, ये कार्ड आपको मिलेगा, इसमें सिर्फ 2 बार स्प्रे करना है, इनफ है। और ये आपकी 2 से 3 महीने आराम से चल जाएगी। इतना कंसनट्रेटेड इसमें परफ्यूम है, आपकी गाड़ी कितनी भी बड़ी हो पूरी महका देगा। आपके दोस्त वगैरह बैठेंगे और आपने ये परफ्यूम का इस्तेमाल कर लिया तो मज़ा ही आ जाएगा, आपकी फैमिली को भी मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल परफ्यूम है। इसकी और भी फ्रेग्रेंसेस आती है, स्प्रिंग वाटर और ब्लैक स्टोन। इसको आप ट्राई करके जरूर देखना। और समय समय में मैं आपको डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के बारे में, डिफरेंट परफ्यूम के बारे में बताते रहूँगा इन्वॉल्व के। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर ट्राई करें। अब देखो कई शार्प टर्न आते हैं, आपकी अच्छी खासी स्पीड होती है उसमें। इसमें ऐसा नहीं है कि गाड़ी का आगे का हिस्सा कहीं और जा रहा है और पीछे का हिस्सा कहीं और जा रहा है। मोनोकॉक जो चैसी होती है उसमें खासकर ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। और ऊपर से जो इसके सस्पेंशन सेटअप है ना, इतना अच्छा कर रखा है, मैं फ़ैन हो गया। लेकिन एक थोड़ी सी कमी मेरे को क्या लगती है कि जब ये टायर गड्ढों में पड़ते हैं ना, तो गाड़ी के अंदर आवाज़ आती है, धड़ 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 धड़। आप भी महसूस करेंगे जब मैं ख़राब रास्तों में गाड़ी चलाऊँगा, लेकिन आवाज़ आती है। गाड़ी के अंदर कंफर्ट मिलता है, गाड़ी में ऐसा नहीं है कि आवाज़ आ रही है आप उछल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ ये भी देखी है मैंने, जब आप ब्रेकर्स में निकालते हैं या फिर गड्ढे में निकालते हैं स्मूथली, तो सस्पेंशन वहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट है। लेकिन आप तेज़ स्पीड में निकालते हैं किसी ख़राब रास्ते से ना, वहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा कि हार्ड है ये। इसमें फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पर्स हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल है। अब बात करें एवरेज की, पहाड़ों में इसका एवरेज जो है अभी MID में दिखा रहा है 11.7। जब हम लोग प्लेन्स में चल रहे थे तो लगभग 20 के आसपास भी दिखा रहा था। 70, 80, 90 मैक्सिमम 90 में स्पीड हमने मेंटेन करके रखी थी क्रूज़ कंट्रोल के साथ, तो ये है 20 के आसपास भी शो कर रहा था। आपको इंजन की जो साउंड है आ रही होगी हल्की हल्की। अब आपको मैं इंसुलेशन लेवल आपको बताता हूँ, एक रेफरेंस के तौर पे बताऊँगा। Hyundai जैसा नहीं है, टाटा जैसा भी नहीं है, बीच का है ये। और XCV500 से अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी स्मूद है ये गाड़ी, स्मूद। वो गाड़ी थोड़ी सी हैवी लगती है, ये चलाने में बिल्कुल कंफर्टेबल है। ये बहुत ही इजी टू ड्राइव बना रखी है महिंद्रा ने गाड़ी। और प्लेन से ज़्यादा ना मेरे को पहाड़ों में चलाने में इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल गजब का है इस गाड़ी का, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं XUV700 के जो अभी ओनर्स हैं ना, जिन्होंने अभी ये ख़रीदी है। बड़ा ही मज़ा आएगा उनको। अब देखो गाड़ी लंबी चौड़ी है, पहाड़ों में कई ऐसी जगह होती है, कई ऐसी मार्केट होती है, सिंगल लेन रोड होती है, लेफ़्ट में मार्केट, राइट में मार्केट, और जाम लगा रहता है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों ने भी देखी होगी। वहाँ पर मेरा क्या एक्सपीरियंस है, वहाँ पर 360 डिग्री कैमरा ना इसका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट है, आप किसी की हेल्प लिए बिना ही आप अपनी गाड़ी को घुमा सकते हो रोड के बीच में। ये मैंने करके देखा है यार। इतनी बड़ी गाड़ी में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर इसका इस्तेमाल हो। अब देखो इस टाइप की रोड है, यहाँ से मुझे यू टर्न लेना है मान लीजिए, तो और मैं अकेला बंदा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको ना ही किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको बाहर देखना पड़ेगा गर्दन निकाल के या फिर शीशों में, आपको चारों तरफ का एक्यूरेट एंगल मिल जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं ADAS की। पहाड़ों में आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पर लेंस वगैरह नहीं है या फिर मार्किंग नहीं है रोड में, तो वहाँ पर आप उसका यूज़ नहीं कर सकते लेन असिस्ट का। लेकिन मार्किंग होगी भी तो वहाँ पर वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, बस आपको वो वार्निंग दे सकता है टूं टूं करके कि आपकी लेन से बाहर हो चुकी है गाड़ी। लेकिन जो हाईवे में अपने आप ऑटोमेटिकली ये स्टीयरिंग घुमा के हल्का फुल्का लेन को एडजस्ट कर सकता था, वो पहाड़ों में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शार्प टर्न रहते हैं और वहाँ पर कम्प्लीटली वो फेल है। और पहाड़ों में आपको इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रिस्की हो जाता है वो। बड़ी ही हल्की महसूस होती है यार ये गाड़ी जब ये चलती है ना, देखने में तो बहुत भारी भरकम लग रही है ये। ना ही इसके स्टीयरिंग में वेट है, इसमें क्लच वगैरह तो है नहीं, कुछ करना नहीं है, बहुत ही इजी टू ड्राइव है, अच्छा खासा वेट आ जाता है, बॉडी रोल बहुत कम है इस गाड़ी में, तो और क्या चाहिए। सीटें काफ़ी कंफर्टेबल हैं, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और हालांकि ये जो है ऑटो डिमिंग IRVM होना चाहिए था, लेकिन इसकी अगर बात करें इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है पीछे। बाकी ORVMs की भी विजिबिलिटी अच्छी है, आगे बोनट प्रॉपर दिखाई देता है। अब एक बहुत मज़े वाली बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई फर्स्ट टाइम बायर होते हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि मेरे को बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए या छोटी गाड़ी लेनी चाहिए। आपको ड्राइव आती है, लेकिन आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है कि आप इसको चला नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी चलाने में, बड़ी गाड़ी है, तो ये चीज़ें भूल जाइए। अभी जो कैमरे के पीछे है हिमांशु, इसको थोड़ा सा पहाड़ों में चलाने में डर रहा था, क्योंकि गाड़ी बड़ी है ये है। जैसे ही एक बार गाड़ी में बैठा, पहाड़ों में चलाई ना, विदिन 5 मिनट इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ गया, वो आराम से 50-60 मेंटेन कर रहा था। और सबसे प्यारी चीज़ उसको ये लगी कि ये गाड़ी महसूस नहीं कराती कि ये इतनी बड़ी गाड़ी है, चलाने में खास करके। और ये चीज़ें मास मार्केट को चाहिए होती है, बहुत सारे लोग एंथुसियास्ट नहीं होते हैं। अब जैसे सफारी को देख लीजिए, उसका स्टीयरिंग वगैरह सारा कुछ जो है भारी है, उसका फील अलग है, एक बड़ी गाड़ी वाला फील देती है वो। यहाँ पर इसके साथ ऐसा नहीं है, बहुत इजी टू ड्राइव। तो चलो मैं आपको डायरेक्टली ले जाता हूँ रात वाले सीन पे, जहाँ पर इसकी हेडलाइट के थ्रो वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया है। अभी आप देख सकते हैं, आप हाई बीम और लो बीम अपने आप हो रही है। मैंने इसको ऑटो मोड में डाला हुआ है। जब भी कोई ये गाड़ी डिटेक्ट करती है, चाहे वो आपके आगे हो, जा रही हो आगे की तरफ, या फिर उधर से आ रही हो, तो इसकी जो हेडलाइट है अपने आप लो बीम में चले जाती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि आपको बार बार जो है बटन को छेड़ना नहीं पड़ेगा, आप जो है अपना ध्यान पूरा रोड में रख पाएंगे। ये बहुत अच्छी लगी। और लो बीम में भी इसकी हेडलाइट काफ़ी अच्छी है, कॉर्नरिंग लैंप जो है इसके काफ़ी इफेक्टिव हैं। हाई बीम अगर आप करना चाहें ना, अगर आप लीवर के थ्रू हाई बीम करते हैं, मुश्किल से 2 से 3 सेकेंड टिकती है, वो नीचे हो जाती है, लो बीम में आ जाती है। मतलब रात में भी ड्राइव करने में इस गाड़ी में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है यार। पीछे कोई लाइट नहीं है, गाड़ी की लाइटें आप क्वालिटी देख सकते हो। तो दोस्तों, अच्छी खासी चढ़ाई का इंतज़ार करते करते शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। और हम सुबह से जो है डाउनहिल में ही जा रहे थे। एक गांव था छोटा सा, वहाँ पर जाना था, वो पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है। अभी जब अपहिल आ रही है, तो इसकी मैं परफॉर्मेंस आपको बताना चाहता हूँ, इसके जिप जैप जूम कैसे काम करते हैं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पहाड़ की चढ़ाई हो, इतनी अच्छी खासी इस गाड़ी में पावर है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं इसको जिप में भी कर लेता हूँ ना, पावर की उतनी खास कमी महसूस नहीं होती। कहने का मतलब है, अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं अपनी गाड़ी से, तो जिप में चला सकते हैं आप बिना किसी परेशानी के। जिप के बाद जैप में जो है, जैप कर लेता हूँ मैं, जैप में हल्का सा डिफरेंस आता है जिप के बाद जैप में। और जब आप अच्छा खासा ड्राइव करते हैं, तो आपको अच्छी खासी पुलिंग मिलती है। आप देख सकते हैं, अब मैं जिप में करता हूँ, जिप में भी इसने व्हील स्पिन मारा। अगर मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम करते ही गाड़ी की आवाज़ चेंज हो जाती है और बिहेवियर्स भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर इसकी स्क्रीन में भी रेड आ जाता है, और यहाँ पर डायल भी चेंज हो चुके हैं। और साथ के साथ जो है पावर ज़बरदस्त, और इस पावर को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसके सस्पेंशन, इसके स्टीयरिंग। आप शायद व्हील स्पिन सुन पा रहे होंगे। मोड़ के जब मोड़ आते हैं, उसमें आपने टैप कर दिया ना, आपका व्हील स्पिन पक्का है। चलते चलते गाड़ी व्हील स्पिन मार देती है जूम में। तो ज़रूरत नहीं है यार इतनी पावर की, सच में। जैप में भी अच्छा खासा जो है काम चल जाता है। ये देखिए चढ़ाई अच्छी खासी, जेसीबी आते हुए, जेसीबी को रास्ता दें। अब देखना मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पर, और पिकअप देखना आप जिप में। व्हील स्पिन मारा, ये कोलिजन वार्निंग दी इसने, क्योंकि गाड़ी की स्पीड तेज़ थी और इसने आगे जो है गाड़ी डिटेक्ट कर ली थी। और सुबह जब हम डाउनहिल में चल रहे थे, तो 12 प्लस दिखा रहा था एवरेज MID पे इस ट्रिप का, और 300 के आसपास जो है रेंज बता रहा था। अब रेंज बता रहा है 250 और एवरेज बता रहा है 11.5। अभी डाउनहिल में आने के बाद जो है फिर से बढ़ जाएगा। देखो ब्रेकिंग के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था, इसकी ब्रेकिंग बड़ी ही ज़बरदस्त है। 4 डिस्क ब्रेक इसमें मिल जाते हैं आपको। और इस पूरी पहाड़ की ट्रिप में एक बार भी मेरे को ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि ब्रेकिंग इसकी और अच्छी हो सकती थी। परफेक्ट है ब्रेकिंग अभी यहाँ पर इस गाड़ी की। बाकी खराब रास्तों में भी ABS अभी तक इसमें किक इन नहीं हुए, इतनी इफेक्टिव है इसकी ब्रेकिंग। तो दोस्तों, ये पहाड़ों के अंदर एक्सपीरियंस था XUV700 का, डीजल ऑटोमेटिक का। एवरेज क्या दे रही है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें। तो अभी XCV की बातें ख़त्म नहीं हुई है। XCV की जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे हाईवे में स्टेबिलिटी, एवरेज वगैरह, वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हेलो अल्फा बीटा गामा। अरे यार गाड़ी ना आए, बस गाड़ी ना आए। दो गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे, जल्दी करो, काफ़ी नीचे है।